ये सवारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो रवाना हो गई दावोस के लिए, क्योंकि दावोस में हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 5 दिवसीय सालाना मीटिंग का आयोजन। दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक मंच जहां प्रधानमंत्री मोदी का डंका बजने वाला है। जी हां, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, ये तो हम आपको बताएंगे ही। इससे पहले आपको हम दावोस से रूबरू कराते हैं। बर्फ की मोटी चादर में ढका है दावोस। स्विट्जरलैंड का एक बेहद ही खूबसूरत शहर है दावोस, जो कि लैंडवासर नदी के तट पर स्थित है। ये शहर दोनों ओर स्विस एल्पस पर्वत की प्लेसूर और अल्बुला सीरी से घिरा हुआ है। इस शहर की जनसंख्या सिर्फ 11,000 है। ये शहर यूरोप में सबसे ऊंची जगह पर बसा हुआ है और यहाँ हर साल होती है विश्व आर्थिक फोरम यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। आइए बताते हैं इस बैठक के बारे में वो बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हैं। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक फोरम एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई है। संस्था का मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस संस्था की बैठक में दुनिया भर के नेताओं और उद्योगपतियों का जमावड़ा लगता है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों को दावोस कहा जाता है। इस आयोजन में केवल वही हिस्सा ले सकता है जिसे WEF की तरफ से निमंत्रण मिला हो। इस बैठक में करीब 2500 लोग हिस्सा लेते हैं। दावोस सम्मेलन को एलीट क्लास के सम्मेलन के तौर पर भी देखा गया है। दावोस में सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति और संगठन एक साथ मिलकर वैश्विक विकास के लिए फैसले लेते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली दावोस यात्रा है। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां नहीं गया और WEF की इस बार की ये बैठक भारत के लिए बेहद खास है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, नई दिल्ली।